नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी डीसीएम की, जो जिसमें टॉपिक है अपना हैलोजन डेरिवेटिव, ग्रिग्नार रिएजेंट, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ठीक है, तो इसी पे बात हम करेंगे चर्चा। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, एकदम कूल होके आप इसको पेपर को देखना सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये देखो, वन इक्विवेलेंट दे रखा है, केवल वन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हो गया MgCl और ये क्या हो गया Cl, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ये इस पर अटैक, ये बाहर, मतलब MgCl2 निकल गया और बीच में क्या बन गया बॉन्ड, देख लो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सी अभिक्रिया, विच रिएक्शन गिव्स 1 डिग्री L? ठीक है, तो करते हैं काम। इसमें क्या बन जाएगा CH3CHOH और यहां क्या हो गया CH3, इसमें CH3OH डबल बॉन्ड के क्रॉस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक, CH3CHOH CH3, इसमें भी क्या बन गया 2 डिग्री, देख लो। और इसका ओजोनोसिस करेंगे, ओ लग गया, तो इसमें तो अल्कोहल बनेगा नहीं, तो हमें चाहिए 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल किसमें बन रहा है बेटा, सेकंड में। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट, CH3MgBr एक्सेस में लिया गया है, तो देखना ये प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, तो CH3COMgCl, Cl और यहां CH3, माइनस और ये प्लस, CH3COCH3, CH3MgCl, प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया CH3COH CH3CH3, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब यहां देखो, पहला क्वेश्चन था इसमें, लेकिन यहां एक्सेस दे दिया है, एक्सेस दे दिया बेटा, तो यहां दोनों जगह पे क्या हो गया MgCl, D2O, D+OD-, प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, बोलो। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया DD, ये फोर्थ। ठीक, सही है, नेक्स्ट बात करते हैं। Na2Cr27H2SO4, NCIT का फिनोल का लास्ट रिएक्शन, किसमें चेंज हो जाएगा ये बेंजोक्विनोन, ध्यान रखना ये। ठीक, नेक्स्ट, सिक्स नंबर, ये भी एनसीईआरटी का है, कहां पे सुनो, कहां की बात कर रहे हैं, जब आपको लिखा गया पिक्रिक अम्ल, फिनॉल की कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन पिक्रिक अम्ल बनेगा, लेकिन इसमें यील्ड अच्छी नहीं आएगी, तो यील्ड अच्छी के लिए पहले बनाया जाएगा H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड, अब उसके आगे की लाइन हमने दे दी, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद लिखा है कि क्या आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो, यस लिख सकते हैं हम बेटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका थर्ड, पिक्रिक एसिड इसका नाम है। सेवन, दी गई अभिक्रिया में कितने HI की खपत होगी, तो कितने HI खपत होगी, तो इस बात को हम ऐसे करेंगे, इसका बना दिया OH और इसका बना दिया I, I2 निकल गया, HI, फिर यहां रिएक्शन, यहां दो HI का यूज कर लिया अभी, फिर यहां एक HI, CH3 CH2 I, कितने मोल HI, 3 मोल। CH4 CuO2 हीट, ये भी NCERT का है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन के नाम से अल्कोहल में है ये, तो यहां बन जाएगा CH4 है तो क्या बन जाएगा CH3OH। ठीक है ना, चार रिएक्शन है वहां पे, ध्यान देना। नेक्स्ट, हैलोजन डेरिवेटिव लास्ट, इसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने बताया था वंडरवॉल, और मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या देखना है आपको, सिमेट्री।
क्या देखना बेटा, सिमेट्री। सिमेट्री तो किसमें है, इसमें। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे अधिक ए, फिर सी, दोनों केस में, मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों केस में बी वाला क्या हो जाए, लास्ट में। तो इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गए दोनों, ये भी गलत हो गया, ये भी हो गया। अब ए और बी ये क्या है, सिमेट्री है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर, और ए और बी क्या हो जाएंगे, पोलर। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। बी आर टू वाटर, व्हाइट पीपीटी देगा ये, यही तो बनेगा बेटा, ओ एच बी आर बी आर बी आर, क्या दे दिया, व्हाइट पीपीटी। फिनॉल की एनओएच के साथ क्या बन जाएगा, ओ एन ए, एन ए सी एल निकालोगे, ओ सी टू एस फाइव, क्या बन जाएगा, फेनिटॉल, इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट। कौन प्रबल अम्ली है, सब में ओएच है और आपको देखना है इसमें, देखो क्या लग जाएगा, प्लस एच प्लस आई प्लस एच, दोनों कम करने वाले हैं और इसमें कुछ नहीं है तो सबसे अधिक हो गया। बोलो, प्लस आई प्लस एच एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। कैटिकॉल, कैटिकॉल क्या होता है, ये ओएच, ये ओएच, वन टू बेंजीन वन टू डायोल को क्या कहते हैं, कैटिकॉल। टू क्लोरोब्यूटेन, टू क्लोरोब्यूटेन इस अभिक्रिया में 60% रेसिमाइजेशन है, देखना इधर कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 60% रेसिमाइजेशन है, तो 60% रेसिमाइजेशन क्या हो गया, 30%, और क्या हो गया, ये 30% हो गया, हो गया बेटा। और ये जो है इसका जो इन्वर्जन बनेगा वो 40, तो रेसिमाइजेशन रिटेंशन इन्वर्जन निरूपण और प्रतिपन, अब ये 40 और 30 क्या हो जाएगा, 70। भाई 60 को हमने आधा आधा कर दिया, रिटेंशन इन्वर्जन, और वो 40 उधर इन्वर्जन ही है, ठीक है, तो 70% हो गया। नेक्स्ट, ये देखो बेंजाइन, बेंजाइन याद है, बेंजाइन ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड किसमें चला गया, रेजोनेंस में, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। मतलब बेंजाइन में ईच कार्बन क्या होगा, sp2, तो sp2 संकरित कार्बन कितने हो जाएंगे, 6। बेंजाइन में प्रत्येक कार्बन, ईच कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। SN1, SN1 का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री सही है, SN2 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, E1 3 2 1, E2 भी क्या होता है, 3 2 1, ये ध्यान रखना, यहां ये गड़बड़ दे रखा है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है ना, यही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 17, विच रिएक्शन गिव्स हॉफमैन प्रोडक्ट, किस अभिक्रिया में हॉफमैन उत्पाद बनेगा। तो यहां तो एल्कोहलिक केवेज करोगे तो यहां ऐसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये H3 हाइड्रोजन लिया, इसने दिया ये बाहर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा, एल्कोहलिक केवेज, सेम यहां बन जाएगा, और यहां पे एल्कोहलिक केवेज, तो ये जो प्रोडक्ट यहां पे है वही यहां पे आ जाएगा, सेम। तो इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट किसमें बना, बी और सी में, बी एंड सी में क्या बनेगा, हॉफमैन। तो कब, एफ ओ इधर रिएक्टेंट में और उधर कोई बल्की ग्रुप है, तो हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसमें E2 लिख भी दिया और कहा कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखना इधर, यहां से HBr, यहां से HBr, यहां से HBr, तो एक बन गया ये CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो ये GI शो करेगा तो इससे कितने बनेंगे, 2, ये GI कितने में, 2, ये GI नहीं शो करेगा, 1, टोटल कितने हो जाएंगे, 5।
भाई क्या किया हमने, बी आर यहां से, एच यहां से, बी आर यहां से, एच यहां से, बी आर यहां से, एच यहां से। अब देख लो कौन जी आई शो करेगा। ठीक है बेटा, बाबू बोलो, आराम से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। सी सी एल फोर ए जी एन ओ थ्री के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है क्योंकि यहां क्लोराइड आयन का नहीं बनना, क्लोराइड आयन नहीं बनता है, इसलिए ये ऐसा होता है कि सी एल माइनस बनेगा तभी तो देगा वो। ठीक है, फॉस्जीन गैस, फॉस्जीन गैस सी एल सी डबल बॉन्डो सी एल वन, वन क्लोरोमेथेनोइल क्लोराइड, वन क्लोरोमेथेनोइल क्लोराइड, वन क्लोरोमेथेनोइल क्लोराइड। ठीक है, एल्कोहलिक के वेज देखो इधर, ये एच थ्री हाइड्रोजन लेगा, इसने दिया ये बाहर, तो सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, कौन सा हुआ सेकेंड आंसर। ठीक है, देख लो सही है। नेक्स्ट, जल अवघटन का क्रम, एक तो देखो सिंपल, ये तो सबसे अधिक हो गया क्योंकि बेंजाइलिक, तो सबसे अधिक हो गया सी। अब इसमें, अब इसमें ये तो देते नहीं है लेकिन विड्राइंग ग्रुप लगाने पे देंगे, तो सी के बाद क्या आएगा, बी फिर ए, सी बी ए। फिर वही एफ, हमने एनसीईआरटी में अगर आएगा, इवन सीबी के नाम से कोई बात नहीं है क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, इसलिए एफ वाला मामला आएगा, तो एफ वाला आया, तो यहां देखो ये यू और ये बाहर, कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देख लो डबल बॉन्ड है ना यहाँ, तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें स्टीरियो आइसोमर को काउंट करना है, साफ साफ लिख दिया है, एक तो ये हो गया, ये काइरल हुआ तो इससे दो, इससे एक, टोटल तीन। एक्वस क्यूएच, कौन सा होगा, थर्ड। दोनों सीएल की जगह पे क्या चला गया, OH H2O निकाल लिया। कौन सबसे स्टेबल है, थर्ड, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट CHCl3 माइनस और ये प्लस, CH3 प्लस और ये माइनस, COOH CH3 CCl3, क्या है ये, क्लोरीन। डीटी में कितने क्लोरीन, ये है डीडीटी, देख रहे हो, डीटी अगर क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ रिएक्शन कर दोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बेटा, डीडीटी। और डीडीटी में पूछा है कितने क्लोरीन, पांच, बोलो सही है। नेक्स्ट आ जाओ, CHCl3 HNO3 के साथ सिंपल सी कहानी की बात है, H प्लस, क्योंकि क्लोरोफॉर्म है ना एनसीईआरटी में, इसलिए आपको करना है HNO3, ऐसे लिख लेते हैं इसको CH, सुनो CL 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 H OH NO2 CL 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 NO2, क्या बन जाएगा, टीयर गैस, आंसू गैस, गैस है, टीयर गैस। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट ये देखो, अब ये जानबूझ के दिया गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको NnH2 एल्कोहलिक KOH और HBr का निकलना है ही है, तो ये बात देखना, यहाँ पे Na प्लस NH2 माइनस ये निकला, तो यहाँ बन गया PH C PH डबल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ क्या हो गया Br, इसने इधर दिया, माइग्रेट कौन करेगा, जो Br के एंटी है, तो यहाँ बन गया PH
पीएच, बोलो तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, बोलो भाई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 अभिक्रिया मतलब वही PQRS में करना है, SN2 अभिक्रिया का क्रम है, तो सबसे अधिक कौन होगा, ध्यान से देखो, P, फिर R बेंजोइल, फिर Q और ये S, तो P R Q S। अगर जो यही PHCO CH2Cl होता तो वो सबसे अधिक हो जाता, ध्यान सुन लो, PHCO CH2Cl होगा तो सबसे अधिक हो जाता, लेकिन यहां पे क्या देखेंगे, स्टेरिक एंडन, बोलो, तो CH3Cl, फिर R P R Q S, ये बात समझना, अगर PHCO CH2Cl होता तो सबसे अधिक होता, ठीक है। सिंपल 32, RX की AgCN के साथ क्या बनेगा, A क्या बन जाएगा, RNC, KCN के साथ क्या बनेगा, RCN, तो RNC RC RNC NC RNC RCN, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वही KCN आयनिक है, AgCN कोवेलेंट, CH3OHPI3, और यहां क्या हो गया, CH3CN, हाइड्रोलिसिस करोगे CH3COH। अब ऐसा कंफ्यूज में होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर पार्सियल है कि कंप्लीट है, क्योंकि वैसा ऑप्शन ही नहीं, एक ही एसिड में मामला है। 34, किसमें एल्केन बनेगा, तो जिसमें ग्रिगनार एजेंट के साथ एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा उसमें एल्केन बनेगा, एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड किसमें है, ये देखो माइनस और ये प्लस, ये एच प्लस ओ एच माइनस, यहां तो एल्कोहल बन जाएगा, तो खत्म कहानी, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसमें मीथेन बन जाएगा, इसमें इथेन, तो आंसर कौन सा होगा, ए बी, बोलो। 35, SN1 अभिक्रिया द्वारा होगा, SN1 कार्बोकैटायन की क्या देखना है, स्टेबिलिटी, कौन सबसे किस कौन सा एल्केलिक जलघटन SN1 क्रियाविधि द्वारा होगा, 3 डिग्री, कौन सा होगा, 3 डिग्री भाई, इसी के कार्बोकैटायन अधिक स्टेबल है ना, फोर्थ आंसर हो गया, देखो बोलो सही बेटा, पढ़ाई चल रही ना, आराम से करते रहो। मेथिल हैलाइड का ग्रिगनार्ड अभिक्रमण बनाने के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है, CH3I CH3Br CH3Cl, बोलो। PHMGBr एक्सिस में है, तो देखो एक बार रुक जाओ, देखो क्या करना है, एक बार pH अटैक किया, ये निकला, यहां pH लग गया, ये निकला, यहां pH लग गया, फिर किया तो क्या बन जाएगा, 3D, मतलब ये बन जाए, दो मोल किया तो PHCO PH बना, और फिर PHMGBr के साथ रिएक्शन करिए, माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, PHCOH PH PH, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, थर्ड ऑल, बोलो बाबू सही है, काम कर दोगे तुम लोग बढ़िया, अगर जो थोड़ा सा अपना ध्यान, एक दो क्वेश्चन अगर आता है तो इसलिए इसको दिया जाता है कुछ चीजों को। SN1 सीधे कार्बोकैटायन की क्या देखनी है, स्टेबिलिटी, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां प्लस चार्ज, ये तो फेनिल सबसे कम, तो सबसे अधिक हो जाएगा एस क्यू आर पी। 38 आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बोलो बाबू, देख रहे हो ना, फेनिल कार्बोकैटायन तो लेस स्टेबल। 39, SN2 का क्रम पूछा, SN1 SN2 इस चैप्टर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, SN2 का क्रम, SN2 स्टेरिक हिंडेंस देखना है, तो SN2 स्टेरिक हिंडेंस जब देखोगे, सबसे कम सबसे तेज P, फिर Q, फिर R, फिर S, कौन सा हो जाएगा, देख लो कौन सा है, 2 है,
स्टेरिक हिंडेंस SN2, एक वो आर सीओ सी एस टू सी एल सबसे अधिक, फिर ओ सी एस टू सी एल, ध्यान है। फिर जैसे जैसे स्टेरिक हिंडेंस बढ़ता जाएगा SN2 रिएक्शन की दर क्या होगी, कम होती जाएगी। बोलो बाबू कर लोगे। ये देखो जल अपघटन का क्रम, सिंपल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, यहां हटाया प्लस चार्ज, और ये तो देता ही नहीं है लेकिन दिया ऑप्शन में, तो लास्ट में सबसे अधिक हो गया पी, फिर क्यू, फिर एस, फिर आर। कौन सा आंसर है? पी क्यू एस आर फर्स्ट। चले आगे, सिंपल बी आर हटा के हमने कार्बोकैटायन की, एस एन वन फिर आ गया। देखो एस एन वन क्या देखोगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। यहां देखो प्लस लगाया, यहां प्लस लगाया, यहां प्लस लगाया, यहां प्लस लगाया, तो ये तो बैक बॉन्डिंग सबसे अधिक हो गया क्यू, NH का प्लस M, O से अधिक, Q के बाद P, फिर R, फिर S, Q, P, R, S। बोलो 41 का क्या हो गया आंसर, ठीक है ना, सही है। थर्ड नेक्स्ट चलें, फ्रियोन 12 ऑप्शन में चले जाना। कैसे लिखते हैं फ्रियोन CBA, C कार्बन की संख्या माइनस 1, B हाइड्रोजन संख्या प्लस 1, और ए क्या नंबर ऑफ फ्लोरीन, तो CF2Cl2 है, फ्रियोन लिखा, कार्बन 0, नंबर हाइड्रोजन 0 है, 1 हो गया, फ्लोरीन फ्रियोन 012। 43 का 2 कैसे आएगा, देखो Br निकाला प्लस चार्ज, रुक जाओ इसको कर ले, यहां प्लस, अब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, किसमें गया 3 डिग्री में, इधर गया तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये CH3 यहां, और यहां हो गया, यहां पे आ गया ना ये, तो यहां हो गया ये प्लस, ठीक है। अब सीधे माइनस एच प्लस इधर से निकाल लो चाहे इधर से, हो जाएगा ना, तो यहां बन गया, यहां से निकाल लेते हैं, तो ये यही तो है, ये देखो दिख रहा है बात, हीट दे दिया ना इसलिए एलिमिनेशन किया भाई। बोलो हीट नहीं होता तब सब्स्टिट्यूशन करते, ऐसी बात भी बताई गई थी। 44 हाँ, एने बेंजीन से बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन बेंजीन से निकाल नहीं सकते उसको, तो निकालो कौन, ये CH2CN, यहां क्या हो गया Br। बोलो इसमें पहले आपको पूरा सेट करना पड़ेगा, तो इसमें ए ये है, B क्या हो जाएगा CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, C रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट लिख देते हैं, CA हो जाएगा, देखो CA हो जाएगा CH3 CH3 Br CH2 CH3, और D क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, यही तो है, देख लो। तो क्या हो जाएगा बेटा, अभी तक देखो ध्यान से, सबसे अधिक हो जाएगा 3 डिग्री कौन सा है, C के बाद 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री कौन सा है, A CA, फिर CA, हाँ अब D वाले मैटर, CAD में पूछा ना, D वाला क्या है 1 डिग्री, CAD फोर्थ ऑप्शन है, देख लो बाबू, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें MgBr अटैच हुआ, MgBr, अब फिर MgBrCl निकाल दो सीधे, क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सीधे निकाल दिया MgBr। बोलो नेक्स्ट चले, हाँ ये देखना माइनस और ये प्लस, सीधे लिख दे रहे हैं OH, B जो हुआ CH3 डबल बॉन्ड O, तो CH3
यही तो हुआ, कौन सा आंसर आ रहा है देखो, 47 देख लो, कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 OCHO, सेकेंड हो गया, वहीं से गिनो, कोई कन्फ्यूजन, 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 5 6 हो गया, बोलो बेटा सही है। नेक्स्ट, NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, LiLH4 एस्टर को रिड्यूस करता है, तो NaBH4 इसको कोई टच नहीं करेगा, और यहां C डबल बॉन्ड को OH, ऐसा किसमें है, ऐसा किसमें है, ये ऑप्शन दिख रहा है थर्ड और फोर्थ। अब LiLH4 इसको किसमें चेंज करेगा, OH में, तो NaBH4 थर्ड ही होगा, नहीं OH कर देना, NaBH ये वाला आ गया, देख लो NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, लिख लो 48, देख लो NaBH4, देख लो बेटा NaBH4 डज नॉट रिड्यूस एस्टर, तो एस्टर वैसे वैसे रह गया, ये तो ए बी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ए है ये, ए बी है, ठीक है, कीटोन को दोनों कर लेते हैं, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया, हाँ ए और बी, हेलो देखो बेटा ये तो क्या है, कोल्बे, तो OH और यहां COH, अब यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो यहां क्या हो जाएगा, OH CO OCH3, तो OH COH OH OCO CH3 नहीं, OH O, ये वाला हो गया थर्ड, 49 का क्या हो गया थर्ड, ठीक है 49 का थर्ड नहीं, फर्स्ट 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 फर्स्ट, ये है ना COH, इसमें नहीं है ना, क्योंकि ये बनाया गया था OH, ऑर्थो पे क्या है COH, तो फर्स्ट हो गया, ठीक है नेक्स्ट चलें। 50 H प्लस ले जाना है OH के पास, H2O निकालो, रीअरेंजमेंट कराओ, सिंपल सी कहानी है, करो एक बार करें, H2O निकला यहां प्लस चार्ज, अब इधर ले जाओ क्योंकि इधर क्या है रेजोनेंस है, तो ये कुछ ऐसा हो गया यूं, माइनस एच प्लस, यही तो है सेकंड। 51 अब देखो इधर OH है, PCl3, ये भी कौन सी रिएक्शन, ये जानबूझ के दिया गया है, ये अपने मॉड्यूल क्वेश्चन है वैसे, और कि आप रिपीट एक दो क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, वैसे PCl3 की रिएक्शन अल्कोहल के साथ है, ZnCl2HCl ये भी रिएक्शन अल्कोहल के साथ है, लेकिन इसमें क्योंकि SN1 SN2 हैलाइड चैप्टर में स्टीरियो की थोड़ी बात करी है उसने, तो हो सकता है आ जाए, इसमें क्या हो जाएगा SN2 और इसमें क्या हो जाएगा SN1, ठीक है, तो SN2 में ऊपर वाला कहां चला जाएगा, नीचे, और इसमें एक बार SN1 एक बार ऊपर और एक बार नीचे, यहां लिख दिया साफ साफ SN2 P प्लस Cl2 PCl3 की रिएक्शन SN2 होती है, ठीक है ना, तो स्टीरियो की बात हुई है तो ही इसको दिया गया, ध्यान से सुन लो, यहां देखो O है K1O4, ठीक है K1O4, तो यहां क्या लग जाएगा OH CCH3 CH3 CH3, और यहां क्या हो गया बेटा OH, देखो सही है। 53 BH3 H2O2 OH- डबल बॉन्ड के अक्रॉस OH वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, बोलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है नेक्स्ट चलें। आसानी से डिहाइड्रेशन, आसानी से निर्जलीकरण जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाए, यहां तो निकाल ही नहीं सकते, यहां है लेकिन यहां सबसे अच्छा है, देखो रेजोनेंस भी है और यहां प्लस चार, क्या हो जाएगा 4, ठीक है नेक्स्ट। D+OD-
प्लस और ये माइनस, सी एस थ्री सी सी एस थ्री डी। बोलो ठीक है। यहां देखो हाइड्रोलिसिस, तो यहां तो बन जाएगा इस टाइप का, वहां लगाओगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, और यहां ठीक है। तो इसमें ए और बी पूछा है, ए ये हो जाएगा फोर्थ आंसर 56 ठीक है। बोलो बेटा नेक्स्ट चलें। यहां देखो OH2, फिर यहां ले गए OH2 प्लस निकाला प्लस चार, टू डिग्री है किसमें जाएगा, माइनस एच प्लस, ये तो है देख लो। इसमें आपको सारे मामले करने का, ये डबल बॉन्ड है, है? यहां भी ठीक है ठीक। अब हाइड्रोबोरेशन, यहां डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या लगेगा ओ एच, वहां जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक। ऑक्सीमर्कुलेशन, वहां जहां हाइड्रोजन संख्या कम। सी इसमें सिंपल सेडजफ और इसमें सिंपल हाफ मॉन। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए का तीन, बी का चार, सी का दो, ठीक है ना, सी का दो है ना, और डी का वन। बल्कि ग्रुप आया तो उसमें ऐसा करना है आपको, हाफ मान करना है। 59 एम जी सी एल वन इक्विवेलेंट, तो यहाँ क्या हो गया एम जी सी एल प्लस और ये माइनस, ये अटैक सी एल बाहर। बोलो अब देखो इधर, एल्कोहलिक OH एच सी एल एन एच टू सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ बन जाएगा सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री, ये हो गया फर्स्ट। देख लो कहानी एकदम सिस्टमेटिक चल रही है। एल्कोहलिक OH का काम जानते हो, एच सी एल निकालना, क्यूमीन, तो यहां बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड एक पे O2 के साथ, फिर यहां फिनॉल और एसीटोन, तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड फिनॉल एसीटोन, ये है। नाम से याद रखना है O2 के, बहुत बनी है विश्व में सबसे अधिक फिनॉल इसी मेथड से बनाई जाती है, बात कही गई थी ना वही वाली। 62 राइमर टीमन रिएक्शन में जो अटैक करेगा सी एच, भाई इसमें ऐसा हो जाता था सी एच सी एल थ्री प्लस के ओ एच, यही होता था रिएजेंट, तो सी सी एल टू, तो फिनोक्साइड पे जो अटैक करेगा वो क्या अटैक करेगा, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन ऑन फिनोक्साइड। बोलो सही बेटा, तो खूब थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम रहेगा तो एक बोर्ड से रिवीजन पूरा हो जाएगा, पूरी चैप्टर आ गए इसमें। हाइड्रोसिस ईथर में, हाइड्रोसिस हाइड्रोसिस किया आपने, एच ओ एच एच और यहाँ ओ एच, तो ये बात कुछ ऐसे हो गई, यहाँ ओ एच ओ एच यहाँ ओ एच प्लस ई टी ओ एच, तो एक कार्बन में दो एच एच टू निकल गया, तो ये मामला हो गया कुछ ऐसा। सेकेंड देख रहे हो ना ई टी ओ एच बाहर। 63 हो गया, फिनॉल की क्रिया, ये नीट के ए आई पी एम टी का क्वेश्चन इससे हो सकता है, तो ए आई पी एम टी नीट अलग अलग बात है। तो फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा तनु एन ओ एच के साथ कराने पर अंततः कौन सा क्रियात्मक समूह लगता है, तो कौन सा लगता है बेटा, सी एच ओ ही तो लगता है। बोलो सी एच ओ ही लगता है। वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अल्कोहल को विभेदित किया जा सकता है, सी यू 573 केल्विन करते हैं, विक्टर मेटस जेड एन सी एल टू लुकास रेजेंट जेड एन सी एल टू प्लस एच सी एल, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही। बोलो 66 ये है पर आयोडिक एसिड सी एस टू ओ एच, ये भी कभी आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए दिया गया है एच आई ओ फोर करा
twice SCHO, ल्यूकास अभिकर्मक, एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, ठीक है ना, देख रहे हो, बोलो सही है। ये देखो NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, तो एस्टर को कोई टच नहीं करेगा, लेकिन इसको किसमें चेंज कर देगा, OH, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आंसर। NaBH4 एस्टर को अपचयित नहीं करता है। बोलो बाबू, लाइन लिखते रहो जो बार बार बोल रहे हैं। निर्जलीकरण का क्रम सुनो, इसमें क्या देखना है आपको, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की भी स्टेबिलिटी देखनी है। रुक जाओ, यहां देखो गलत क्रम है। हेलो, ये तो क्या हो गया, OH डबल बॉन्ड, नहीं यहां डबल बॉन्ड, और ये कार्बोकैटायन अच्छा स्टेबल, CO के बगल से दूर है, प्लस यहां पास है, ये तो सही है। यहां 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये भी सही है। यहां देखो, यहां से तो निकल ही नहीं सकता H2O बेटा, हेलो यहीं से क्रॉस कर दो इसको, देख लो यहां से तो H2O निकल ही नहीं सकता, OH और जस्ट बगल में H है ही नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड 70 माइनस और ये प्लस, एक बार गया तो एक साइक्लोहेक्सेन लग गया, फिर दूसरी बार गया तो फिर तीन, तो एल्कोहल कौन सा बनेगा, 3 डिग्री भाई, एक बार गया तो ये हो जाएगा पीएच सीओ और ऐसा, और फिर उसकी रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल, देख लो बेटा सही है बेटा है। इथाइल एसीटेट, पहले इथाइल एसीटेट लिख लो, ये निकला कीटोन बना CH3 CO CH3, ये अटैक कर रहा ना, और फिर अटैक किया तो CH3 COH CH3 CH3, बोलो 72 एल्कोहल कौन से यौगिक के साथ लाल रंग देता है, एल्कोहल कैंटेस्ट, हेलो कैंटेस्ट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, रुक जाओ अब इसमें देखो, ये अपने है, ये है एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, फिनोल या टेस्ट नहीं देता, तो इसको ध्यान रखना लाल रंग देता है, एल्कोहल कौन से के साथ लाल, रेड वॉयलेट कैन टेस्ट, हेलो इस बात को गौर कर लेना भाई साहब, ये इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस में भी है। खैर यहाँ पे फिनॉल एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का मामला आपको दिया, FeCl3 फिनॉल के साथ टेस्ट दे देगा, कॉन्सेंट्रेट HCl ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, और ये जो कैन टेस्ट है ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर देगा, लाल, फिनॉल या टेस्ट नहीं देगा, तो एक मामला ये ध्यान रखना, ये वैसे लिखाया गया, ये कहो अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है। एल्कोहल हैलाइड में परिवर्तित ROH SOCl2 पिरिडीन क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, बेस्ट मेथड है, सर्वाधिक उपयुक्त है। 74 इसको निकाला प्लस चार्ज, रीअरेंजमेंट कर लो, इसको इधर ले आओ, जो प्लस चार्ज हुआ रीअरेंजमेंट किया तो ये आ गया, यहां ऐसे कर लो, सीधे लिख लेते हैं, इस टाइप का लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसको उधर ले जाओ, बोलो सही है, आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसका 75। आराम से काम करना बेटा, हेलो ये सब फिर वही कौन सा, हेलो एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन टेस्ट वाला आपको ध्यान रखना है, रख लेना क्योंकि उसमें कहीं कहीं से बिना के दे सकता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कहीं से कॉन्सेप्ट,
यहां देखो डबल बॉन्ड से सीएल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो यहां पे NaCl कहां से निकालोगे, यहां से, तो ये कुछ बन जाएगा इस टाइप का। सेकेंड आंसर 75 का कौन सा हो गया, सेकेंड, डबल बॉन्ड से सीएल नहीं निकाल सकते। अब बात एक सुनो, अपने इसमें से 73 क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी, एक दो क्वेश्चन जानबूझ के कि आप हवा में ना हो इसलिए दिया। हवा में क्या आपको उसको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ऑप्शन काटने में आ सकता है वो, एल्कोहल फिनॉल के टेस्टिंग वाली बात जो करी थी उसमें, तो एक वो ध्यान रखना है, क्योंकि अपने मॉड्यूल में है भी, तो जो चीजें दी गई हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिंक्ड रहता है, तो ऑप्शन से उसको काट सकते थे आप, तो इसलिए उसको काम करना है। सभी बातें ये कोर्स से पूरी एल्कोहल फिनॉल था, हेलोजन डेरिवेटिव, ग्रिग्नार्ड एजेंट सारी रिवाइज हो गई है, आराम से इसको करना बेटा फिर, और अपने डाउट काउंटर मिलते रहते हैं, उसमें कोई डाउट हो तो उसको फिर भी पूछ लेना, ठीक है। इसमें आप 50 क्वेश्चन से प्लस करते जाते हो, जितना बेहतरीन उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो नीट के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू डियर।